अच्छा एक बात मान लो, अगर हमारे यहां संसार में सारे बन भी जाए तो ये शमशान तक ही तो रहेंगे, हैं? शमशान के बाद सहारा कौन? मैं दो चीज आपसे पूछना चाहूंगा। पहली बात, एक बात तो ये बताओ तुम मरोगे कि नहीं, हैं? दूसरी बात, तुम्हारे आगे कोई मराए कि नहीं? जवाब दो, जोर से बोलो, मराए? हमारे आगे कोई मरा है? कन्फर्म? हम भी मरेंगे, ये भी कन्फर्म, पक्का। अब एक और क्वेश्चन, जो मरे हैं उनका सहारा कौन था? जब तुम अपने ही लोगों को विदा करके आए हो शमशान तक, कोई तो होगा जिसे तुमने विदा किया होगा। मैं अपने बाबूजी को विदा करके आया हूं, मैं अपने दादा को, मैं अपनी दादी को, मैंने अपने नाना नानी अपनी आंखों से विदा होते हुए देखे हैं। तुमने भी किसी को विदा किया होगा, बताओ उनका सहारा कौन था? संसार में कोई किसी का सहारा नहीं है, सिर्फ संसार बनाने वाला प्रियाकांत ही हम सबका सहारा है। धनबल, जनबल और बाहुबल, धनबल, जनबल और बाहुबल, चौथो है बलराम, चौथो है बलराम। जब तीनों ये काम ना आवे तब काम आवे ये राम, तब काम आवे ये राम। जहां जनबल शून्य, धनबल शून्य, ज्ञानबल शून्य, वहां से मेरा कोई न सहारा। गोपाल ये बल है। तो जब तक तुम्हारे जीवन में ना, अरे अजामिल जैसे पापी का कल्याण करने वाला ये नाम है, एक सेकंड भी अगर तुम्हारी बिना नाम के जा रही है, दिस इज अ नेवर रिटर्निंग टाइम, ये कभी वापस नहीं आएगा। बहुत से लोग कहते हैं भजन कब करना चाहिए, मैं कहूंगा बचपन में करना चाहिए। जिनका बचपन सुधर जाता है उनकी जवानी सुधर जाती है, जिनकी जवानी सुधर गई उनकी जिंदगानी सुधर जाती है, और जिनकी जिंदगानी सुधर गई मरने के बाद उनकी कहानी भी मजेदार बन जाती है। हाँ जी कि ना जी? तो सुधारना है तो आज सुधारो, कल अपने आप सुधर जाएगा। नाम के बिना कल्याण होने वाला? आप गुरु पूर्णिमा पे आए हैं, गुरु से दीक्षा ली, आज बहुत लोगों ने दीक्षा ली है, दीक्षा लेकर इस मंत्र में सच्ची निष्ठा रखकर भजन करें।